नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से। भिंड में पुलिस से बेखौफ बाइक सवार हमलावरों ने आज सुबह लाहरचुंगी इलाके में एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पैर में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हमलावर भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुँचे। वारदात का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। हालांकि आरोपियों की तलाश जारी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है। दरअसल लाहरचुंगी क्षेत्र में रहने वाले अमन त्रिपाठी का पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। अमन आज सुबह अपने घर के बाहर बैठा था, तभी बाइक पर सवार होकर आए तीन लोगों ने कट्टे से गोली मार दी और आरोपी फरार हो गए। गोली अमन के पैर में लगी है, वह गंभीर रूप से घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। एसपी ऑफिस के पास गोलीबारी की घटना से आसपास में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हमले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि हमलावर पहले भी कई बार अपना निशाना बना चुके हैं, जिसकी शिकायत पहले भी हमने पुलिस को किया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। रात में 11-12 बजे 16 तारीख के दरमियान में दो लोग गोली चला गए थे, जिसकी हमने 16 तारीख को देहात कोतवाली में पुलिस दी है और एडिशनल एस पी साहब को उसकी CDP भी बना के थे। 1 तारीख को फिर लोग चला गए गोली, अभी बाहर बच्चा बैठा था, फिर कोई गोली मार के चला गया। कितने लोग थे? लगभग 3-4 लोग। घर पे ही घटना को अंजाम दिया? घर पे ही, घर के बाहर गोली चला के भाग गए। कितनी गोली चलाई हूँ? शायद दो, एक या दो चलाई। मामला ये है कि अमन को सुनील त्रिपाठी हैं, लाहौर रोड पर रहते हैं। वो अपने दरवाजे पर सुबह 9 बजे बैठे थे। पूर्व की रंजिश को लेकर राहुल राजावत और विशाल राजावत और गोलू चौहान, ये लोग आए और गाली गलौज किया था। राहुल ने उसकी जान लेने की नीयत की, फाट दिया तो उसके दाहिने पैर की गोली लगी। युवक की हालत कैसी बनी हुई है? अभी हालत सामान्य है।